चैन दोस्तों, रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं UPNHM रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका एग्ज़ाम जो है UPNHM लैब टेक्नीशियन और STS की जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हो चुका है। 13 मार्च को उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर, इसका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है और इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में। तो इसकी रिजल्ट की हम बात करें तो इसका रिजल्ट जो है वो 30 मार्च से पहले पहले आपका इसका रिजल्ट जो है साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और इसकी वैकेंसी की हम बात करें तो इसमें जो है 3000 के आसपास जो वैकेंसी हैं, 3000 प्लस वैकेंसी हैं। तो 3000 की नोटिफिकेशन में जैसा कि साफ साफ दिया है कि जो वैकेंसी हैं उसका 3 गुना बच्चों को इसमें सेलेक्ट, पहले जो मेरिट बनेगी वो 3 गुना बच्चों को की बनाई जाएगी। तो 3000 के हिसाब से अगर हम बात करें, 3000 के हिसाब से हम बात करें तो 3000 पे 3 गुना बच्चों को, 3 × 9 यानी कि 9000 लोगों की ये मेरिट बन के आएगी, 9000 लोगों की मेरिट बन के आएगी। तो इसमें पहली जो मेरिट होगी उसमें 9000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, 9000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। उसी आधार पे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका उसी में आपका जो जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे, रैंक होगी, उसको छांट लिया जाएगा। अगर हम STS, पहले हम बात करते हैं STS के बारे में, तो STS की जो मेरिट है वो क्या रहने वाली है। इससे STS की कट ऑफ की हम बात करें तो STS की कट ऑफ जो है वो 40+, OBC की जो है 40 से 45 के बीच में रहने वाली है। 40 से 45 के बीच में ये रहने वाली है। और अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की जो है वो आपकी 45 प्लस हो जाएगी, 45 से 50 के बीच रहने वाली है। ऐसे ही अगर SC की बात करें, हम SC ST की कैटेगरी की, तो 35 से 40 के बीच इसकी कट ऑफ रहेगी STS में। जैसा कि STS में आपको पता है 293 वैकेंसी हैं और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो STS की वैकेंसी पे रहने वाला है, क्योंकि STS में लगभग 65,000 फॉर्म फिल हुआ था जिसमें 293 वैकेंसी हैं और उसके 3 गुना बच्चे यानी कि लगभग 900 बच्चे रहने वाले हैं। 900 बच्चे उसमें लिस्ट में, पहली जो लिस्ट बन के आएगी उसमें 900 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद उसमें से फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन की जो मेरिट है वो जनरल की बात करें तो जनरल की जो है 40 प्लस रहने वाली है, और OBC की हम बात करें तो OBC की जो मेरिट है वो 35 प्लस रहने वाली है, और अदर कैटेगरी की बात करें तो वो 30 प्लस रहने वाली है। तो ये थी आज की कट ऑफ के बारे में। और जैसा कि इसका रिजल्ट को मैंने आपको बताया, 30 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ चुका आ सकता है। 25 मार्च और 30 मार्च के बीच में इसका रिजल्ट जो है कभी भी जारी हो सकता है। आप इसकी NHM की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट को बार बार चेक करते रहें। इसका रिजल्ट जो है वो NHM की वेबसाइट पर आएगा। जैसा कि देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट आप कहाँ से देख सकते हैं। ये जो है ये आ रहे हैं नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ ये देखिए, जैसे ये आ रहा ऑब्जेक्शन मैनेजर पोर्टल STS SST और 21 मार्च। इसी तरह से आपका रिजल्ट का यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, उस पर आपको जो क्लिक करना होगा और वहाँ पे आप अपना जो ID था, अपना ID पासवर्ड डालेंगे तो आपका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। ये सभी लिंक आई हुई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।